रहमान रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग? जी मैं बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मैं क्या बना रही हूँ। जी मैं बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, बल्कि समझे जी ईद के बाद ये ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मिल जाता है बंदे का, क्योंकि पूरे रमज़ान तो खाते हैं फिर उसके बाद फिर गैप आ जाता है, छोड़ देते हैं। तो आज भी मेरा दिल चाहा कि बनाने को, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास दो कप जो है, ये फुल दो कप है चने बॉयल हुए, ठीक है, दो से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे बल्कि, ठीक है जी। ये बॉयल हुए मेरे पास चने हैं। अच्छा जी, इसमें हम क्या डालेंगे इसके बाद? ठीक है जी, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पोटैटोज हैं मेरे पास बॉयल हुए, ठीक है जी। ये हमारी पिंडी में बहुत ज़बरदस्त ये चाट बड़ी मशहूर है, मैंने पहले भी आपको राजा बाज़ार की चाट दी थी। ये हमारी चाट जो है ना सारी की सारी इस टाइप की राजा बाज़ार में मिलती है। अच्छा जी, बेबी पोटैटोज़ भी थे इसमें, तो मैंने थोड़े से इसको पिल ऑफ नहीं किया, ठीक है, इसी तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब इसमें क्या डालना जी? देखिए ये मैंने भूलिए बनाई है, मैं आज आपको इसकी बल्कि लास्ट में डालूँगी ताकि आपको पता चले, ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ी सी इसमें चली जाएगी प्याज, ठीक है, चलेगी इसमें प्याज, ठीक है जी। ये चलेगी इसमें टमाटोज, थोड़े से हम तो गार्निश कर देंगे ना, थोड़ी सी ये चिली चली गई, बारीक हरी मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें चली गई इसमें, और ये चार जो है, और ये बूंदियाँ, ये सब कुछ मैं घर में ही बनाई हुई है। और इसको जी देखिए भिगोते नहीं है इसमें, इस पानी में इसको सॉफ्ट नहीं करते, इसको हम ऐसे क्रंच के लिए ऐसे ही डालते हैं, ठीक है जी। ये बड़ी अच्छी सी लगती है, ये वैसे ही मैंने खोला इसको बिल्कुल ईजी स्टाइल से, छोटी छोटी ऐसे हाथ से करके बना ली, ठीक है जी। अच्छा, ये ऐसे हो गया, इसको हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना। योगर्ट डालना चाहे तो हम इसमें योगर्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है जी, मैं योगर्ट भी लाती हूँ अभी जी। ये चाट हो गया, अब ये हमने इसके ऊपर थोड़े से, बल्कि ऐसे करें कि ये अगर आपको दही पसंद तो ये देखें जी, इसमें हम दही भी डालते हैं, और ये विदाउट योगर्ट भी ये चाट बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ है जी आपको बताती हूँ, योगर्ट में, योगर्ट के अंदर मैंने सब्जी डाला हुआ है, चीनी डाली हुई है और थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, ठीक है जी। और ये देखिए, ये हमने क्रंच के लिए थोड़ी सी हमने इसमें पापड़ डाल दी, देखिए जी, तो बड़ी ज़बरदस्त ये हमारी चाट बनती है, बहुत ज़बरदस्त। और भी थोड़ी सी ये होती है ये देखिए जी, और ये सेवई ज़रा थोड़ा सा इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है, थोड़ी सी लुक भी अच्छी आती है, ठीक है जी, जिसको आप नीमको भी कहते हैं, ये सेव भी कहते हैं, ठीक है जी। ये इस पर डाल रही है हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी मशहूर चाट है, राजा बाज़ार में कहाँ मिलती है, अभी आपको गली नंबर, मकान नंबर, घर नंबर ना पूछेगा प्लीज़, तो आप लोग कमेंट में ऐसी बातें पूछने लगते हैं, बस मैं आपको बता देती हूँ, राहुल पिंडी में आ जाए और राजा बाज़ार पहुँच जाए, और फिर देखिए जी ज़बरदस्त सी वहाँ की चाटें हैं जी, ज़बरदस्त सी। थोड़ी सी हम और डाल लेते हैं ताकि हमारी बहुत अच्छी सी लुक आए, ठीक है जी। तो देखिए जी कितनी झटपट ये चाट तैयार है, देखिए जी हमने किस तरह रफली सा बस डाल दिया सब कुछ, चॉप चॉप करके, चॉप चॉप समझते हैं ना आप, मेरी एक लैंग्वेज है जी, चॉप चूप करके, चॉप चूप भी कह सकते हैं, चॉप चॉप भी कह सकते हैं आप। लें जी, ये हमारी जी ज़बरदस्त सी जी चाट है ना, अब इसको हमने तैयार कर दिया है, अब इसकी आप देखिए जी ये फाइनल इसकी लुक है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी चाट, ज़रूर ट्राई करनी है आपने, बहुत ही यम्मी सी है, बहुत मज़े की है, पंजाब की मशहूर है, रावलपिंडी की स्पेशली, राजा बाज़ार की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए सर की बिजली का ये आदम है, अरे वो सही हो गया था एक वीडियो, और ये दो अलग अलग वीडियो हार गया, ये दो ना मेरी।